कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। गाइज, आज सुबह से कुछ भी काम नहीं किया हुआ, अभी 8 बजने लगे हैं, क्योंकि मेरी राजीव की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए राजीव को अभी सबसे पहले मैंने दवाई लेने के लिए भेजा है। वो दवाई लेके आएगा, फिर थोड़ा सा हम उसको मैं हल्का सा नाश्ता करवा के, दवाई खिलवा के उसको रेस्ट करवाऊंगी। और अभी आपको मैं बैक कमरे से बताती हूँ अपना किचन में, जो मेरे रात के भी थोड़े से बर्तन जो ऐसे बचे हुए धोने के लिए, क्योंकि लास्ट में दूध पिया था, दूध वाले ऐसे बर्तन हो गए, और चाय भी हम नहीं पीते। और राजीव को मैंने रात को हल्दी वाला दूध दिया था, उसको जुखाम और गले में खराश और खांसी हुई भी, मतलब उसको ना यहाँ गले में प्रॉब्लम हुई भी, उसको ऐसे करता रहता हर टाइम, सारी रात ऐसे करता रहा, शायद अंदर से भी उसको हल्का हल्का फीवर है। हमारे नज़दीक ही यहाँ पे सौ ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो अकेले चले गया। कोई बात नहीं, मैं चल जाता हूँ अकेले ही, ज़्यादा दूर नहीं है, और डॉक्टर हैं वो भी हमारे जानने वाले हैं। तो गाइज, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, और थैंक यू सो मच आप सभी का। दूध की बोतल, गैस कर सकता गाइज। सबसे पहले मैं ना राजीव को ना दवाई देती हूँ, ताकि ये तो रेस्ट भी करे, उसे फर्क भी पड़े, इसलिए मैंने इसको आज घर पे रखा है। और इसके लिए मैंने गर्म पानी कर दिया है, ये तो एक तो खुल के पानी नहीं पीता बिल्कुल भी, खुल के पानी पीना चाहिए आजकल, हमेशा खुल के पानी पीना चाहिए, चाहे कोई भी मौसम हो। हम इसके लिए पहले सबसे पहले तो उसको दवाई खिला देती हूँ। अब आपको मैं बैक कैमरे से बताती हूँ। कैसी थी भी राजीव, ये सबसे पहले तो दवाई खा ले। पीने वाली को क्या बोला भाई, पीने वाली को भी दे दी, पहले इसको खा। ये
अब अरेंज करियो तरीके से, ठीक है। पहली साइड को जाएगी, मैं इस साइड काम करूँगी और इस साइड को। अब मैं कर लेती हूँ किचन का वो सारा काम पड़ा हुआ। गाइस मैं किचन का काम कर लेती हूँ। गाइस सबसे पहले तो मैं ना भूख के पेट वाली दवाई दी हुई डॉक्टर ने मुझे, वो खा लेती हूँ, क्योंकि एक हफ्ते से ना मेरे उल्टी को मन हो रहा था, ऐसे ही कुछ भी खाने को मन नहीं हो रहा था। तो ये वाली टेबलेट है, ये यहाँ से बच्चे ने बैग में डाली थी, ये यही लेके आया था स्कूल से जब वापस आया था। तो डॉक्टर के आते बार उसने ना ये गोली निकलेगी, तो ये मैं खा लेती हूँ पहले। ये भूख के पेट खाने के, क्योंकि इससे ना मुझे ये वाली उल्टी को मन होता है, बस उल्टी आती है नहीं, पता नहीं क्यों ऐसी तबीयत खराब हुई, गर्मी की वजह से हुआ हुआ ऐसा सब कुछ। और अब चल फटाफट से हम जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते हैं। चलो ले चलती हूँ मैं आपको अपने किचन में। मैंने बनाए थे ये घिया के कोफ्ते, हमने खा लिए हैं, ऐसे बचे थे तो मैंने आपको दिखाई नहीं हुए थे कि मैंने कैसे बनाए, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी कोफ्ते, तो उसकी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी मैं। गाइस आप बोलेंगे कि डेली एक ही काम दिखाते रहते हैं घर का किचन का, तो मेरा ब्लॉगिंग में ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही दिखाएंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग में तो ऐसे ही होता है। और हम जब कभी मैं बाहर जाऊंगी तो आपको पक्का से बाहर का भी कोई कुछ दिखाऊंगी। तो अभी तो फिलहाल घर का और किचन का ही काम मेरे पास है, तो मैं यही दिखाती रहती हूँ। और प्लीज़ आप सभी लाइक जरूर कर दिया करें, जैसे आप कमेंट करते हैं लाइक करते हैं तो इतने सारे भी आते हैं व्यूज, तो पर फिर भी आप सभी का मैं थैंक यू सो मच बोलती हूँ, लाइक जरूर कर दिया करें। मैं यहाँ पे दही का खेरू बना रही थी, क्योंकि मुझे कोफ्ते पसंद नहीं है, मैंने तो कुछ भी खाया नहीं हुआ था। मैंने इसमें एक चम्मच बेसन डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि अगर ज़्यादा डालती फिर तो कड़ी बन जाती। मैंने धनिया डाला, फिर जीरा डाल दिया, और अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्चें थी उसमें मैंने काटी हुई, वो मैंने डाल दी। ये मैं राजीव के लिए नहीं दूँगी, क्योंकि ये खट्टा है, मेरे को राजीव की बहुत टेंशन हुई हुई, इसे ऐसे ही रजाई लेके सोया था, क्योंकि पंखा भी लगा हुआ था ना, तो रजाई ली हुई थी। मम्मा मैंने बेडशीट नहीं लेनी वो ओढ़ने के लिए पतली सी, मैंने ना कंबल लिया ना कुछ नहीं, बस रजाई लेके इसको नींद आ गई थी, और नींद में भी बहुत कड़ रहा था ये, इसको पता नहीं लगा कि मम्मी वीडियो बना रही है मेरी। और मैं साथ में इसके साथ ही बैठी हुई थी, तो मैंने करेले अच्छी तरह धो के अब मैं इसको काट रही हूँ। अब मैं इसको सुखाने डाल दूंगी, क्योंकि मैं इसको दूसरे दिन बनाऊंगी।
एक काम ख़त्म नहीं होता, कितनों को दूसरा काम लग जाता है। इस पापी पेट के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। पसंद अपने अपनी होती है, कभी कुछ पसंद नहीं, कभी कुछ नहीं है पसंद। कुछ भी आजकल मन नहीं करता खाने को, अलग अलग देख लेते भी कि कौन सा क्या पसंद है खाने को, टेस्टी नहीं लगता मतलब कुछ भी। तुमने करेले काट दिए थे और हम इसको सुखा दूंगी, एक चाय आधे दिन की, एक दो घंटे मतलब धूप में रख लूंगी चाय। और ऐसे रख दी मैंने इसको, थोड़ा सा मैं इसको सुखा दूंगी। मुझे ना वो गिले वाले पसंद नहीं है।